नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतिम बजट में नई घोषणाएं न होकर के एक तरह से वित्तीय हिसाब किताब का लेखा जोखा पेश होगा। एडवोकेट किशन भावनानिया, बजट नई सरकार आने के बाद करीब करीब जुलाई 2024 में पेश होने की संभावना है। एडवोकेट किशन सन्मुख दास भावनानी इस अंतराम बजट में जनहित से जुड़ी स्कीम और जैन स्कीम ऑन की तारीख 31 मार्च समाप्त हो रही है। उन्हें 4 महीने तक बढ़ाने की योजनाएं लाई जा सकती हैं। मैं एडवोकेट किशन भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से 31 जनवरी 2024 को संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जुलाई 2024 में हो सकता है, इसीलिए जो बजट सत्र बजट जो 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाना है वह अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट इसलिए पेश किया जाएगा क्योंकि जो 31 मार्च को जो ड्यूरेशन समाप्त हो रहा है बजट का और जुलाई के बीच में जो अवधि होती है उसको उसमें पूरा लेखा जोखा का हिसाब किताब करने के लिए वह बजट अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अब सवाल उठेगा कि अंतरिम बजट में क्या होगा। मेरे हिसाब से अंतरिम बजट में ऐसा होना चाहिए कि जो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर ग्रीन की जो स्कीम्स है वो स्कीम्स उसमें आना चाहिए और जो गरीबों की भलाई के लिए जो प्रोविजंस हैं वो उसमें ज़रूर आना चाहिए। 31 मार्च को जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें 31 मार्च उसकी अंतिम डेट है वो समाप्त हो रहा है तो उसको एक्सपेंशन करने के लिए वो चीज़ें आना चाहिए। ओवरऑल ऐसी चीज़ें आना चाहिए बजट में अंतरिम बजट में जिसमें जो फायदे की चीज़ें हैं गरीबों की भलाई की चीज़ें हैं। अब वैसे तो बजट में आने के लिए हमें एक बहुत सी चीज़ें करना है, पूरा टैक्स सिस्टम चेंज करना है, कुछ चीज़ें उसमें डालना है अपने को अंदर, कुछ चीज़ें बाहर निकालना है। एक 2047 के विकसित भारत विज़न के लिए हमको बहुत उसमें कुछ करना है लेकिन अभी हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो नई सरकार आएगी वो जुलाई 2024 में वो नया बजट पेश होगा तो उस बजट में हम चर्चा करेंगे कि उस बजट में क्या आना चाहिए, कैसा आना चाहिए कि जैसे हमारा 2047 का बजट फुलफिल हो। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।